हाई एवरी वन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आप सभी को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं आशा करती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी लाइफ ऐसे ही हरी भरी खुशियों के साथ रहे। अभी फ़िलहाल सुबह का टाइम है एंड आई एम रेडी। फ़िलहाल मैंने ये गाउन पहना है, साड़ी मैं एक्चुअली शाम के टाइम पहनूंगी। पूरा दिन साड़ी में ना कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बहुत स्टफनेस हो जाती है पेट पे ना, वो नाड़ा बंधे बंधे बहुत देर तक, तो शाम को पहनूंगी। साहब भी तब तक फ्री हो जाएंगे, आज इनकी बहुत सारी मीटिंग्स हैं, ये सुपर डुपर बिजी एंड ऑफ कोर्स इनको साड़ी पसंद है, तो इनके लिए बांधूंगी, तो शाम को ही पहन लूँगी थोड़ी देर के लिए इनको खुश करने के लिए। फ़िलहाल मैंने कम्फर्टेबल गाउन पहन लिया है और साथ में मैंने ये वाली चूड़ियाँ पहनी है, कांच की हैं बीच में ये ग्रीन चूड़ियाँ, और जो साइड वाली है ना ये मुझे एक ब्रांड ने सेंड करी थी, आई थिंक अराउंड करवा चौथ पे, SPB इमिटेशन है। मैं इंस्टाग्राम लिंक डाल दूँगी या फिर उस वाली वीडियो का लिंक डाल दूँगी जब मैंने आप लोगों को दिखाया था, तो वो वाली मैंने इसके साथ पेयर करी है। ड्रेस के साथ पूरी मैचिंग ही हो रही है, ये ग्रीन कलर है लेकिन थोड़ा सा ना ब्लूइश टोन आ रहा है कैमरे में, लेकिन ये जो वो काही रंग होता है ना ये वो वाला कलर है। तो ज्वेलरी ये पहनी, और ये वाले भी इयररिंग और ये मंगलसूत्र वाला सेट था पूरा का पूरा, ये भी उन्होंने मुझे भेजा था करवा चौथ के टाइम पे ही भेजा था, आई थिंक उन्होंने मुझे दो बार सामान भेजा है, आई थिंक यस करवा चौथ के टाइम का ही है। तो ओके, वो मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लेना अगर किसी का इंटरेस्ट हो तो। रिगार्डिंग लिंक ऑफ दिस गाउन, क्योंकि आप लोग हमेशा आउटफिट के बारे में पूछते हैं, तो इसका मैं लिंक अभी नहीं दूंगी, क्योंकि ये देख रहे हैं ना ये जो है ये इसके ऊपर ना चिपका हुआ है, ये तो गोटा पट्टी का काम है बट ये वाला जो है ना ये चिपका हुआ है, सो आई एम लिटिल बिट डाउटफुल कि कहीं मैं वॉश करूं और ये उतर ना जाए, तो लेट मी वॉश इट फर्स्ट, और अगर ये सही रहता है देन मैं फिर इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, रिव्यू भी दे दूंगी, बट अभी के लिए बस आप ऐसे ही देख के काम चलाओ। देखने में बड़ा सुंदर है, कलर बहुत प्यारा है, कैमरा में एग्जैक्टली आ नहीं रहा है। ओके, अच्छा हाँ, ये तो मैंने दिखाया नहीं, सबसे स्पेशल चीज़ ये देखो, मेरी बिटिया ने मेहंदी लगाई है, ये पतिदेव का नाम विकास, ये उसने अपना लिखा है इनू, घर में उसको इनू बोलते हैं। ये फ्लावर बनाया है, यहाँ पे दो हार्ट हैं, एक हार्ट मेमोरी का है और एक हार्ट बेबी का है, ये बी लिखा हुआ है बट थोड़ी पूंछ सी गायब हो गई है इसकी यहाँ से, बट ये बी है, तो ये अद्वी ने लगाई है। रात ना एक्चुअली लेट हो गया था, दिमाग से ही निकल गया था, तो बस थोड़ी सी ही मेहंदी लगाई और फिर बेबी शार आ रहा है तो उसमें मैं और अच्छे से लगाऊंगी, तो हल्की मैं टीका लगाने की सोच रही थी, फिर अद्वी ने ये ऐसे लगा दी, चलो ठीक है, ये भी अच्छी लग रही है, सबके नाम हो गए इस पर। तो यस, ये मेरी मेहंदी है तीज की, ये मेरी चूड़ियाँ, दिस इज हाउ आई एम। चलिए जी, काम मेरा निपट गया है, अब चलते हैं किचन की तरफ और आपको दिखाती हूँ कि लंच में क्या बनेगा। तो यहाँ पे राइस हैं जो मैंने सोक करके रख दिए थे, इसके साथ ये कल की लेफ्ट ओवर ना एक करी है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बीन्स हैं, ग्रीन बीन्स भी हैं कॉर्न डाल के, और वही टमाटर प्याज का तड़का लगा के जैसे राजमा में तड़का लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से बनाया हुआ है मैंने ये राजमा मसाला डाल के, तो ये रखी हुई है, तो मैं तो नहीं खाऊंगी ये वाली क्योंकि इसमें बीन्स वगैरह हैं, मेरे लिए लाइक अलाउड नहीं है मुझे ये सब कुछ, एक दो चम्मच खा सकती है तो क्या फ़ायदा। तो ये है और इसके साथ इन लोगों के राइस हो जाएंगे। इधर ये कुछ एक सब्जियां बची हुई थी पिछले हफ्ते की ग्रोसरी की, दो तीन मशरूम हैं और ये आधी आधी कटी शिमला मिर्च हैं, तो थोड़ी सी मटर डाल लूँगी, थोड़ा सा पनीर डाल लूँगी और इनकी एक थोड़ी सी सेमी ग्रेवी वाली सब्जी बना दूंगी। और ना ये एक मास्टर ग्रेवी है मैं बना के रखती हूँ, और ये मैंने आई थिंक लास्ट ईयर आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तब फर्स्ट टाइम लॉकडाउन लगा था तो मैंने मील प्रेप की एक वीडियो डाली थी कि आप बल्क में टमाटर प्याज खरीद के और इस तरह से ग्रेवी बना के स्टोर कर सकते हैं, और उससे ये है कि फूड वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि फ्रेश कई बार जो फ्रेश प्रोड्यूस होता है वो खराब होने लगता है हफ्ते डेढ़ हफ्ते के बाद, तो इस तरह से मैंने उस टाइम पे बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों के साथ शेयर करी थी। तो ये वही मास्टर ग्रेवी है, और
इसके साथ मैं ये सब्जी जो है इसको बना दूंगी, फुलके डाल दूंगी साथ में, और ये हमारा लंच हो जाएगा। डिनर जो है वो यस यू गोना सी इट व्हाट आई एम गोना कुक। तो ये जो ग्रेवी है ना, इसके अंदर मैं थोड़ी सी दही मिक्स कर रही हूँ, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और इस बार जब मैंने ये बनाई थी ना, तो थोड़ी सी इसमें मिर्ची तेज हो गई थी, जो हरी मिर्ची थी ना वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग वाली थी, तो वो फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए। तो इसमें मैं अब ढेर सारी ये दही डाल दूंगी, तो इससे फ्लेवर बैलेंस हो जाएगा, और जैसे दम आलू वाला फ्लेवर होता है ना, वो वाला फ्लेवर इसमें आएगा। बट ऑब्वियसली मैं सारी सब्जियां जो हैं वो ऐड कर रही हूँ, तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस नॉर्मली सब्जियां जो हैं वो सॉटे करके और ये ग्रेवी मैं ऊपर से डाल दूंगी, एंड टन इट्स रेडी इन नो टाइम। पैन में मैंने थोड़ा सा ना ऑयल गरम कर लिया है, बिल्कुल ही थोड़ा सा, क्योंकि जो हमारी वो ग्रेवी है वो ऑलरेडी पकी हुई है, और वो पीछे विंडो की वजह से ना बहुत डार्क सा रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो इसमें नॉर्मल सिर्फ थोड़ा सा जीरा डाल के तड़का लगा रही हूँ मैं, और कोई मसाला ऐड नहीं करूँगी क्योंकि सब उस ग्रेवी में है, तो सिर्फ जीरा डाल रही हूँ। हालांकि जीरा भी है, बट वही है, जब तक ना डले ना तो ऐसा लगता है कि नहीं, टेस्ट नहीं आएगा। इसके बाद जो वेजिटेबल्स है सारी की सारी वो मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। बेसिकली वो वाली जो ग्रेवी है ना, उसमें टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, धनिया, मिर्ची, कसूरी मेथी, ये सब कुछ डाल के एक नॉर्मल जो ग्रेवी बनती है, नॉर्मल तड़का वो है। तो अभी मैंने शिमला मिर्च और मशरूम डाल दिए हैं इनको सौते करके, और यहाँ पे ना ये फ्रोजन मटर हैं, ये मैंने वॉश कर लिए, पानी में ही डाल दिए, पानी के साथ ही डाल दूंगी, थोड़ी सी ग्रेवी इसी की हो जाएगी। और पनीर जो है वो सबसे लास्ट में ऐड करूंगी मैं, और पनीर ना इस तरह से लेंथ वाइज लंबा लंबा कट किया है। सो बस अब राइस जो है वो भी चढ़ा देती हूँ मैं। तो शाम हो गई है 6 o'clock, यस हाँ पूरे 6 बजे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे डिनर की तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ पे मैंने खूब सारा हरा धनिया कट कर लिया है, और बिल्कुल बारीक बारीक खीरा काटा है, ये मैं रायते में यूज़ करूँगी, धनिया जो है थोड़ा सब्जी में भी जाएगा। इधर आलू मैंने बॉयल करके रख लिए हैं, फुड़वा आलू की सब्जी बनाऊँगी। यहाँ पे प्याज जो है उसको फाइनली चॉप कर लिया है, और ये टमाटर, हरी मिर्ची और अदरक की प्योरे, 3 टमाटर हैं इसके अंदर मीडियम साइज़ के। और यहाँ पे मैं सूजी की खीर, खिरनी जो होती है वो बनाने वाली हूँ,
तो सूजी निकाल के रख दी है और यहाँ पे घी है, लगभग 2-3 टेबलस्पून लिया होगा और इसके अंदर मैं आधा कप के करीब सूजी डालूंगी और उसके बाद फिर नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं ना सूजी का हलवा उसी तरह बनती है, बस इसमें यह है कि दूध बहुत ज़्यादा डलता है, खीर की कंसिस्टेंसी होती है। डिटेल्ड रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो यहाँ पे खीर जो है सूजी की वो बिल्कुल डन हो गई है, अच्छी खासी थिक, और आप अपने हिसाब से दूध कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपके घर में कैसी खाते हैं। तो मैंने अंदाजे से ही डाला है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने ही कप जाएगा। तो बस ये डन हो गई, इसमें बस मैं अब थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दूंगी और इलायची को मैं ऐसे ही साबुत ही ग्राइंड करके रख लेती हूँ इस तरह से कांच के जार में, और स्वीट डिश वगैरह में ये अच्छा लगता है, तो बस इसको मैं डाल दूंगी। तो ये डन हो गया है और इधर मैंने पूरियों का आटा भी बना लिया है, थोड़ा सा नमक अजवाइन डाल के और थोड़ी सी दही डाली है मैंने इसमें, और फिर पानी के साथ इसको नीट कर लिया है। बस अब सब्जी बनानी शुरू करती हूँ, बिकॉज खीर इज डन, ये आटा रेस्ट करेगा तब तक सब्जी डन हो जाएगी। तो सब्जी यहाँ पे डन हो गई है, बस इसमें उबाला आना है, तो 2-4 मिनट इसको उबाला आने दूंगी मैं। और इधर जो है बस अब रायते की तैयारी कर रही हूँ, तो दही है इसको मैंने अच्छे से विस्क कर लिया है, इसमें धनिया और खीरा साथ में नमक मिर्च ये मसाले डाल के और मैं डन कर लूंगी इसको। इधर मीनवाइल जब तक मसाला हो रहा था मैंने पूरियों के लिए ये पेड़ियां भी बना के तैयार कर ली हैं। अच्छा, सब्जी जो है वो बहुत आसान है, आपने देख ही ली है, बस इसमें एक फर्क ये होता है के तड़के में ही जब टमाटर भून रहा होता है तभी इसमें गरम मसाला और अमचूर डाल दिया जाता है, दैट्स इट, बहुत टेस्टी बनती है ये। बस अब इसमें एक बॉयल आ जाएगा ना, उसके बाद मैं इसे सिम पे कर दूंगी और 3-4 मिनट पकने दूंगी, डन। तो सब्जी डन हो जाएगी, खीर डन हो गई है, रायता बस बनने वाला है, सिर्फ पूरी का काम रह गया है। सो विद इन हाफ एन आवर एवरीथिंग इज डन, बस थोड़ी सी प्री प्रेप की जरूरत होती है। सब्जी हो गई है, मैंने एक्चुअली सिम पे कर दी है, बस 2-3 मिनट और पकने दूंगी, फिर बस हरा धनिया डाल दूंगी और इधर जो है वो पूरियां मैं बेल के तैयार कर लूंगी ताकि फिर एक साथ जो है ना सारी फ्राई कर लूं। ऑयल मैंने ऑलरेडी चढ़ा दिया है, तो तब तक ऑयल गर्म होगा तब तक मेरी पूरियां जो है वो बेली जाएंगी एंड होपफुली साहब जो है वो भी नीचे आ जाएंगे। आप लोगों ने तो आज देखा ही नहीं, नहीं नहीं देखा है ना लंच करते हुए, तो बस इतनी ही देर के लिए आते हैं ये। और यू नो समटाइम आई फील कि अगर ऑफिस जाते हैं तो एटलीस्ट टाइम से जाते हैं, टाइम से वापस आते हैं, लेकिन जो ये वर्क फ्रॉम होम होता है ना, आई थिंक इट्स 24 आवर्स, कोई टाइमिंग ही नहीं है। सो
सुबह उठते ही सबसे पहले ईमेल चेक करने, काम करना, मतलब कोई सुध-बुध रहती ही नहीं है। पर ओके, पिछले एक साल से यही चल रहा है, पता नहीं अभी तो कब तक ऐसे ही चलेगा। हफ्ते में एक आध दिन जाते हैं, बीच में एक दो हफ्ता, एक हफ्ता वो भी जाता है, ऐसा कि नहीं भी जाते हैं, बट वही है कि मोस्टली वैसे अब हो ही रहा है पिछले दो महीने से कि हफ्ते में एक या दो दिन तो ये जा ही रहे हैं। चलो जी ठीक है, क्या कर सकते हैं, बस मैं ये फटाफट बेल लूँ फिर पूरी भी उतर जाएंगी और थाली हमारी डन हो जाएगी। This side, yeah. Yeah. This side. Okay. Yeah. Is your buddy? बेटा टाइम लगेगा, वन मोर, ओनली वन मोर, देख यू नो लाइक लुक लुक ब्यूटीफुल पफ्ड अप Next one. You can eat it if you want. Yes, this is mine. Yeah, we can eat it. You can, you know, because it has the hook on oh, it. Oh, I'll make your plate. You want to eat it? This puri. Yes. Whoa. Not right now. No, right. और जी ये है हमारी आज की थाली। दीपिका लुक एट कितनी ब्यूटीफुल थाली है, देखो रंग बिरंगी सब्जी हरियाली तेज जैसे ये इधर एक रंग बिरंगी रेनबो पनीर सब्जी, पिकल, स्वीट पूरी एंड रायता, आलू की सब्जी वो दिखा देना पहला आलू की सब्जी। और दीपिका समझ क्या खाएगी, इधर जो कोने में पड़ा है ना ये वाइट वाइट इसे रायता बोलते हैं, ठीक है ये दीपिका के लिए है। क्या करें, डू वांट टू से समथिंग, पूरी ऐसे फूल फूल के आ रही है ना, कह रही है दीपिका खा ले सब्जी के साथ लपेट लपेट के खाओ आलू के साथ ना, ये हमारे यूपी का स्पेशल है आलू पूरी और खीर, सब ना ऐसे चीख चीख के बोल रहे हैं दीपिका खा ले खा ले। और भाई दीपिका अभी बोली थी साड़ी पहनने के लिए, हमने सो कैंसिल कर दिया कि नहीं गाउन अच्छा लग रहा है। चलो हाँ तो आज साड़ी का हो गया, ठीक है तो अभी देखो मैचिंग चूड़ियां पहनी थी, अब आप अंदाजा लगाना कि मैं कौन सी वाली साड़ी पहनने वाली थी। तो अब मैं शुरू कर लूं इधर, बिल्कुल बिल्कुल आप खाओ, हम गर्मा गर्म पूरी ला रहे हैं आपके लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं, आप अपना रायता एंजॉय करो, ठीक है चलिए। तो बस अब रुकन जा रहा मैं, बंद कर रहा हूँ। बाबू पूरी और हाय पीपल, पूरी बताओ पूरी लाऊं क्या, और आज अद्वि ने भी पूरी बनाई है ना, मेरी बनी ने पूरी बनाई है आज और बना के खुद ही खा गया। लाओ पूरी। I will need potatoes. Potatoes में स्पून ला रही हूँ, स्पून ले ली। कैसा बनाई है बता पहले। 1000 out of 10. Oh my goodness, that's too much. Thank you so much. You're welcome.
दूध गर्म कर दिया है, यहाँ पे मैंने दही जमानी है और किचन इज ऑल क्लीन। ये सब कुछ काउंटर टॉप मैंने तभी खाना खाने के बाद ही क्लीन कर दिया था, बर्तन छोड़ दिए थे, बर्तन फिर मैंने अभी करे हैं थोड़ी सी एनर्जी लेने के बाद, क्योंकि खाने के बाद वॉक पे चले जाते हैं ना तो फिर थकान हो जाती है आके, फिर मैं अपना शुगर टेस्ट वगैरह, फिर थोड़ी बहुत देर टी वी, तो जी ऐसा ही हो जाता है। तो ऐसी गई हमारी हरियाली तीज, कुछ बहुत ज़्यादा ऐसा था नहीं, और ये भी आज बिजी थे, ऐसा नहीं कि इनके साथ बैठ के कुछ गपशप हो जाती। पिछली बार तीज पे कांक्षा भी आ गई थी, इस बार उसका भी वर्किंग था तो वो भी नहीं आई, तो बस ऐसे ही हो जाता है। साड़ी पहनना भी मेरा बिल्कुल लाइक कैंसिल ही हो गया, मेरा ये था कि खाने की तैयारी करके और फिर मैं साड़ी पहन लूँगी, इनका भी काम हो जाएगा। ये आए नीचे देन ही सेट के गाउन अच्छा लग रहा है, रहन दे खामा का परेशान होगी अब थोड़ी बहुत है देर के लिए, मैं कहा नहीं मैं पहन लूँगी या नहीं, इस लाइक कि नहीं यही अच्छा लग रहा है, किसी और दिन पहन लिया, आज ये पहन लिया, कल को साड़ी पहन लिया थोड़ी देर के लिए, नहीं कहा चलो ठीक है। अदरवाइज मैंने वो वाली साड़ी निकाली थी, आपने ना जब मैंने दिखाई थी कि मैं तीज पे कौन सी साड़ी पहनूं, तो दो साड़ीज़ को सबसे ज़्यादा बोला था, एक तो जो येलो है एंड ब्लूइश ग्रीन एक्वा कलर वाली थी ना वो वाली, और जो ग्रीन वाली थी जिसके जो वो अनुष्का शर्मा वाली रिप्लिका थी, तो इन दो को जो है वो लमसम इक्वल वोट्स मिले थे। तो फिर मैंने सोचा चल अनुष्का शर्मा वाली पहन लूँ, उसके साथ की मैचिंग चूड़ियाँ भी थी मेरे पास, तो मैं कहा वो डाल लूँगी साड़ी, निकाल के भी रख लाइक उस दिन से नीचे ही रखी थी वो साड़ियाँ, बट कोई बात नहीं फिर किसी और दिन पहनेंगे। और मैंने रायता लिया ढेर सारा, इन्होंने तो जो इनकी प्लेट में था वही बाकी जितना बचा हुआ था वो सारा रायता मैंने लिया, तो उसमें धनिया और ये खीरा वीरा था ना, तो हो तो गया, पेट तो भर गया, नियत बिगड़ रही थी पर मेरी पूरी आलू देख के, बट यार कंट्रोल करना पड़ता है क्या करें, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट चल रही है, बहुत चीज़ें जो हैं वो बंद हैं, नहीं खा सकते, बहुत कुछ चीज़ ऐसी हैं जो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में, बट ये है कि चल कोई बात नहीं निकल जाएगा ये टाइम भी, बेबी बिल्कुल ठीक ठाक रहे वही सबसे बड़ी बात है मेरे लिए, ये सब तो खाना पीना चलता ही रहता है, दैट्स फाइन। बट ऐसा नहीं है कि अगर मैं कुछ नहीं खाती हूँ तो फिर मैं इन लोगों के लिए कुछ ना बनाऊँ, इन लोगों को भी ऐसे करूँ, त्यौहार है त्यौहार पे जिस तरह से बनता है उसी तरीके से बनाती हूँ, और बस मेरा भी काम चल ही जाता है, मुझे अंदर से तो खुशी होती है कि हाँ चलो त्यौहार अच्छे से मन गया, खाना पीना हो गया, इन लोगों ने अच्छे से खा लिया, हो जाएगा, पहले मैं भी खा लेती थी बट अब सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं दैट्स फाइन, फिर दोबारा से हो जाएगा सब कुछ ठीक ठाक। तो जी यस, और अब पायल वायल तो मैं सोची मैं उतारूंगी नहीं, पहने रखूँ अब जब तक मुझे अजीब सा नहीं लगेगा, इवन तो मैंने बीच में बिछियाँ ज़रूर उतार दी थी क्योंकि स्वेलिंग बहुत आ रही थी बीच में ना पैरों में, बट अब पिछले कुछ टाइम से कुछ राहत सी है, एक तो मैंने वही झराई तो मैं डेली ही कर रही थी, बट यह है कि मैंने पैरों की मसाज भी बहुत अच्छे से शुरू कर दी है, तो थोड़ा बहुत फ़र्क है, और फिर यह है कि बॉडी को भी आदत पड़ गई है कि हाँ ये तीन टाइम इतनी वॉक करती है, जब शुरुआत आप करते हो तो ज़्यादा वो रहता है, बट हाँ मेरी स्वेलिंग तो मेरे ख्याल से फोर्थ मंथ से ही शुरू हो गई थी, फोर्थ मंथ से ही शुरू हो गई थी, सुबह की वॉक तो रहती थी। चलो जी बहुत देर होगी, मैं बात करती रहूँगी ढेर सारी, आप लोगों की कैसी गई हरियाली तीज, अपनी मेहंदी के अपने आउटफिट के पिक्चर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना इंस्टाग्राम पे, और फॉलो भी कर लेना इंस्टाग्राम पे, मैं वहाँ पे भी बहुत सारी रील्स डाल रही हूँ, मेरा सेकंड चैनल बीच आर्मर भी प्लीज़ एक बार चेकआउट कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ पे भी मैं ऑलमोस्ट डेली वीडियो डाल रही हूँ शॉर्ट्स, और हफ्ते में एक जो है वो कोई भी कॉन्टेंट बेस्ड वीडियो जा रही है वहाँ पे। सो यस, मैंने अपने आप को बहुत ऑक्यूपाई किया हुआ है और आई एम हैप्पी अबाउट इट, सही रहता है अपने आप को बिज़ी रखो ना तो बस फिर इधर उधर ध्यान नहीं जाता है, अपना काम करते रहो मेहनत करते रहो फिर ऊपर वाला आपको फल देता है, दैट्स वेरी स्वीट एक्चुअली। चलिए वीडियो किसी भी पॉइंट पे पसंद आई हो तो लाइक शेयर कॉमेंट, कमेंट के रिप्लाई आई नो मैं बहुत रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ एंड आई होप कि आप लोग समझेंगे इस बात को, सरसरी निगाह से पढ़ तो लेती हूँ एक्चुअली, मोबाइल में कई बार पढ़ लेती हूँ मैं, लेकिन मैंने मोबाइल में अपना चैनल लॉगिन नहीं किया हुआ है तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं लैपटॉप पे ही करती हूँ, तो येस आई एम नॉट दैट मच रेगुलर बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड के
इस हालत में और भी बहुत कुछ चीज़ है सब कुछ मैनेज करना, तो कोई सी ना कोई सी एक चीज़ तो बैकफुट पे आ ही जाती है। बट थैंक यू सो मच, आप लोग फिर भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, तहे दिल से शुक्रिया आप लोगों का कि मैं रिप्लाई नहीं कर रही हूँ बट स्टिल यू आर कमेंटिंग अपना टाइम निकाल के। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना और हमारी प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाना। बस अब मैं चलती हूँ ऊपर, अब थकान हो रही है स्किन केयर करके। देन निन्नी टाइम, इट इज़ निन्नी टाइम। पैरों की मसाज, मसाजर लिया हुआ है मैंने, उससे मसाज करके और फिर मैं सोती हूँ तो नींद ठीक से आ जाती है, नहीं तो उठना तो पड़ता है यार रात को 3-4 बार मुझे। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल।